माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के स्वास्थ्य विभाग को लिखा है और कहा है कि वह ब्लड बैंकों में ब्लड की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें, विशेष रूप से ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, जिसमें कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, उन सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाए। ऑनलाइन ई पोर्टल, जो हमारा ई रक्तकोश एक पोर्टल है, उसके माध्यम से हर ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुप की करंट अवेलेबिलिटी का रियल टाइम स्टेटस मॉनिटर किया जाए। साथ ही इंडियन रेडक्रॉस ने इसी संबंध में एक 24/7 कंट्रोल रूम ब्लड सर्विसेज के लिए दिल्ली में स्टार्ट किया है, जिसके फोन नंबर्स हैं 011-233-59379, दूसरा नंबर है 93-199-82104, एक और नंबर है 93-199-82105। इस फोन नंबर पर कोई भी संपर्क करते हुए अगर उन्हें ब्लड की नीड हो या उनको कोई ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट करते हुए वह सर्विसेज हम ले सकते हैं। इसके साथ ही एक और फ्रंटियर पर हमारा एक विस्तृत रूप में कार्य चल रहा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्रिटिकल इल कोविड पेशेंट्स के मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए ड्रग की एफिकेसी को इवैल्यूएट करने के लिए एक रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रही है। ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, जिसके साथ साथ क्रिटिकली इल जो कोविड 19 के पेशेंट्स हैं उनमें एक ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो उनके साइटोकाइन प्रोफाइल में मैसिव चेंजेस लेके आता है, इस ड्रग के द्वारा टेस्टिंग बॉडी के इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट किया जा सकता है, यह पाया गया है, जिससे कि साइटोकाइन स्टॉर्म इनहिबिट होता है और मॉर्टेलिटी इन कोविड 19 केसेस और उसकी रिकवरी कम होती है और उसकी रिकवरी बेटर होती है। कोविड 19 और ग्राम नेगेटिव सेप्सिस से सफरिंग पेशेंट्स की इस क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक की सिमिलैरिटी को नोट करते हुए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसकी ट्रायल की मंजूरी दे दी है और जल्द ही यह ट्रायल मल्टीपल हॉस्पिटल्स में शुरू की जाएगी। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स, ड्रग्स और वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए कोविड 19 कॉन्सोर्शियम पर एप्लीकेशंस को इनवाइट किया। ऐसे 500 प्रपोजल आए जिनमें प्रिलिमिनरी स्टेज में 16 को फंडिंग सपोर्ट के लिए रिकमेंड भी किया गया है। इस मल्टीफेसिलिटेड अप्रोच के तहत नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंडर वैक्सीन कैंडिडेट्स जो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलपमेंट में हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। एग्जिस्टिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स और साथ ही नोवल वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं उनको रीपर्पज करने के लिए फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा। कोविड 19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। वैक्सीन कैंडिडेट्स जो यूटिलाइज करेंगे इनएक्टिवेटेड रेबीज वेक्टर, फेज 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन, उन पर काम हो रहा है। मॉलिक्यूलर रैपिड डायग्नोस्टिक किट के देश में प्रोडक्शन के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। हम सबको अवगत है कि जो हमारी ये कोविड के खिलाफ लड़ाई है यह मल्टी फ्रंट पर काम कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रंट्स पर काम करते हुए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें एक फ्रंट है सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा हम अवॉइड करें, दूसरी तरफ कंटेनमेंट एफर्ट्स पर काम करें, तीसरी तरफ साइंस के फ्रंटियर पर काम करते हुए एक कंबाइंड इंटरवेंशन के रूप में हमें इस लड़ाई को जीतना है। धन्यवाद।